नमस्ते, मैं प्रफुल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हम बात करेंगे पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में और हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी की नेत्री, भाजपा की कार्य समिति की सदस्य तारा साह जी, जो दावा कर रही हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के। हम उनसे बात करेंगे कि विकास कितना हुआ इस क्षेत्र में, क्या समस्या है और किन किन मुद्दों को लेकर वो पार्टी के बीच जाएंगी और पार्टी से अपनी जो मांग है वो रखेंगी और जनता उन पे कितना विश्वास जताएगा। हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे तारा साह जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी है। तारा साह जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रहे हैं। मैडम, सवाल है कि यहाँ से अभी बीजेपी के विधायक हैं विजय खेमका जी और आप भी यहाँ से दावा कर रही हैं और अभी हाल फिलहाल में आपको प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के तौर पे मनोनीत भी किया गया, तो कैसे ये मुमकिन होगा? कितना विश्वास जता पाएंगे आप अपने आला कमान को? आला हमारे यहाँ तो सब कुछ जो है आला कमान ही है, वो कमेटी होती है संसदीय दल की, वो निर्णय करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है टिकट। सब क्योंकि राजनीति में लोग बरसों से रह रहा है तो महत्वाकांक्षा तो सबकी होती, हमारी नहीं और बहुत नेताओं की है, तो अपनी बात हम लोग रखते हैं। अब वो निर्णय करेंगे किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। और आला कमान को मेरे पर विश्वास है क्योंकि हम 29 वर्षों से संगठन का काम करते चले आ रहे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा भी पूर्णिया जिला में मेरा है, तो सारे लोग हमको जान रहे हैं पहचान रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी जनता भी। अपनी बात रखते हैं, बाकी उनका निर्णय जो होगा हमको सर्वोपरि होगा। लेकिन कहीं मैडम, 29 वर्षों से आप काम कर रही हैं लेकिन जब जो मेन समय आता है, जब टिकट के समय में आप पीछे हो जाती हैं, पीछे पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जो बड़े नेता है पार्टी के वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि 29 वर्षों से काम करना और एक टिकट नहीं मिलना, ये कई सवाल खड़ा करता है। अब वो किस आधार पर सोचते हैं ये तो मेरे दिमाग से परे बात है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन है कि हमेशा उनके नजर में तो हम हैं, नजर में रहता कहाँ से हम निकल जाते हैं वो तो वही बताएंगे, हम तो और अच्छे बेहतर आ जाते हैं तो उनको मिल जाता होगा। जनता के बीच जाती हैं आप और कई वर्षों से सक्रिय भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के रूप में हैं, महिला हैं आप, तो किन किन समस्याओं को मुख्य रूप से आप देखती हैं पूर्णिया में आप, जिसका पे समाधान होना अति आवश्यक है? देखिये, जो पार्टी के स्तर से विकास होता है वो तो हो ही रहा है, मेन यहाँ ये बात है, मुख्य बात ये है कि चूंकि महिलाओं को इधर से कहीं सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर, एनडीए को दिया है भारतीय जनता पार्टी, तो महिलाओं को लगता है कि कहीं से कहीं सत्ता में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए ताकि हम अपनी आवाज, जो मेरी व्यक्तिगत महिलाओं की समस्या है, उसको विधानसभा में जाकर बुलंद किया जा सके। उसकी बहुत सी ऐसी समस्या है, जब तक उसके सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी बातें रख नहीं पाएंगे और उनकी समस्याएं दूर नहीं हो सकती है, इसलिए तो मैडम किरण केसरी भी यहाँ विधायक हुआ करते थे लेकिन जो उपचुनाव हुआ उनमें उनको टिकट मिला, राजकिशोर केसरी की हत्या के बाद जो उनके पति थे, लेकिन उसके बाद फिर उनका टिकट उनको नहीं दिया गया, यहाँ से एक प्रत्याशी हुए विजय खेमका जी, तो क्या लगता है कि महिलाओं के साथ में कहीं भेदभाव हो रहा है? नहीं, हमारी पार्टी तो महिलाओं का भेदभाव नहीं करती है, ये भी मुझे विश्वास है, लेकिन कहीं से कहीं किस तरह से हम लोग हो सकता है अपना मैसेज पहुंचाने में असफल रहे हैं, क्या हो रहा है ये बात है। किरण केसरी का को टिकट नहीं मिलना ये दुख की बात तो जरूर है, उसको फिर पुनः रिपीट होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाई है, तो हम लोग क्या नेतृत्व मेरा जो सही फैसला लिया हम लोग को सर्वमान्य है। जनता में एक्चुअली मैं कई कार्यक्रमों में कई बड़े नेताओं से, पूर्णिया जिले के नेताओं से जुड़ा हूं और खुद उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे बात की है, कई समस्याएं हैं जिससे जो वर्तमान विधायक हैं उस पर नाराजगी है, तो उस नाराजगी पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि जो काम पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए एक महिला नेत्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि वो पर्याप्त है? नहीं, वो तो पर्याप्त है, जितना उनको काम करना चाहिए वो तो काम किए हैं सदर विधायक, अभी जितना कोरोना की स्थिति में हो चाहे राहत वितरण में हो वो काम तो किए हैं। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि विधायक तो दिखाई नहीं पड़े हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये भरा पड़ा हुआ है मैडम, काम है आरोप लगाना समझे ना जी। लेकिन हम लोग को लगता है वो काम तो किए हैं, जहाँ तक टिकट मांगने के सवाल है तो हम महिला होने के नाते वो अलग दावा है, लेकिन हमारे जो विधायक है वो तो काम कर ही रहे हैं।
गुलाब बाग मंडी की स्थिति देख लीजिए मैडम, आज भी चरमराई सी हुई है। लोगों की अपेक्षा थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक बनेंगे और लगातार बन रहे हैं, मंडी की सूरत बदलेगी, क्योंकि ये देशव्यापी मंडी है, यहाँ पे व्यापारियों का आना जाना होता है, किसानों का आना जाना होता है, लेकिन अपनी जो स्थिति पे खुद गुलाब बाग मंडी की दयनीय हालत है वो चरमराई सी हुई है, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्या कहेंगे इसको, संजोग कहेंगे कि काम नहीं हुआ, या फिर कहेंगे कि जान के इस चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया? महिला हैं आप, ये संजोग की बात है, क्योंकि परिस्थिति अभी इस तरह से बीमारी हो गया है कि वो बीमारी आज 3 महीना से हुआ है ना मैडम। बीजेपी की सरकार तो बीजेपी की जो के जो नेता है वो पिछले अजीत सरकार के बाद से लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है, लेकिन स्थिति आज भी गुलाब बाग मंडी की उसी तरह बनी हुई है मैडम। ये संजोग की बात है, संजोग कहेंगे मैडम इसको, लगातार 20-25 वर्षों से बीजेपी का शासन काल रहा है, ये संजोग मात्र तो नहीं हो सकता है मैडम। ये तो हम मेरे की नजर में जो संजोग है, आवाज तो उठाने की कोशिश करते हैं विधायक जी अब, लेकिन क्यों नहीं, तो सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है मैडम, फिर भी विधायक जी आवाज उठा रहे हैं, आवाज कहीं जाके दब जा रही है। नहीं होगा होगा होगा, वो तो आवाज चैनल पर था ही, लेकिन उस वक्त ये जो आपदा आ गई उसके कारण दब गई बात। दावे किए जाते हैं विकास के, सिमलगाछी में जो एक रानी पत्रा का जो क्षेत्र है वहाँ भी लोगों ने विरोध किया था, आपने देखा होगा। नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं है, जानकारी में। चलिए, महिलाओं के लिए क्या क्या रहेंगे आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे? महिला को सबसे पहले, महिला को आत्मविश्वास, समझे ना, पहला महिला को एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारी भागीदारी सत्ता में हो, आधी आबादी है उसको नजरअंदाज करके, है ना, राज्य का विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता, और किसी पार्टी का भी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आवाज तो आधी आबादी ही ना बुलंद कर रहा है भाई, आधा आदमी कर रहा, आधी आबादी तो आपकी बैठी हुई घर में है, ठीक है उसको नगर पंचायत में, नगर निगम में उसको स्थान मिला, लेकिन जो बड़ा प्लेटफॉर्म है लोकसभा हो विधानसभा, वहाँ अगर इसकी भागीदारी हो जाएगी तो महिलाओं को रोजगार के संबंधित है समस्या वो उससे हो जाएगा, उसको बहुत ऐसी हुनर है जिसको दिखाने को उसको मौका मिलेगा, तो उसकी आवाज सुननी चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए महिलाओं को। शिक्षा में क्या, शिक्षा में महिलाओं का बहुत अहम योगदान होता है, लेकिन जो विधायक कोई बन जाते हैं तो शिक्षा को दरकिनार कर दिया जाता है, उसकी सही समुचित व्यवस्था नहीं किया, स्कूलों की स्थिति को देख लीजिए आप। ये अफसोस की बात है, ये बिल्कुल अफसोस की बात है, ये सब होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है, अगर एजुकेशन नहीं है तो चरित्र का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, जब चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा तो हम राष्ट्र के अच्छे निर्माण का बात ही नहीं कर सकते हैं। शिक्षा पर तो समुचित ध्यान देना ही चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी दल का विधायक हो, और शिक्षा शिक्षा से संबंधित जितना महिलाएं संवेदनशील होती है ना, मेरे ख्याल से पुरुष महिला भी होते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती है, बच्चों से खास करके बच्चों से वो दिल से भावनात्मक रूप से वो अधिक जुड़ी हुई रहती है, अगर इसको मौका मिले हर जगह तो ये बहुत बढ़िया बेहतर प्रयास कर सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के उत्थान के क्षेत्र में। मैडम आप महिला हैं, पार्टी में काफी आप एक्टिव रहती हैं, जनता के बीच आप जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? अगर आप वो कह रही हैं कि आप दावा कर रही हैं इस सीट से महिला होने के नाते, तो जनता के बीच जा रही हैं, उनके दुख दर्द को आप समझने का प्रयास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? हाँ कर जा रही, मिल रहे हैं सबसे, ऐसे भी इस उद्देश्य नहीं कि हमको टिकट मिले हम यहाँ के दावेदार, ऐसा नहीं, इस भावना को लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम हमको पूरा बूथ तक पहुँचना है, जनता तक पहुँचना है और पहुँचाना है उनके संदेश को, इस माध्यम से तुम जाते हैं जन जन तक, हर पंचायत जन जन तक, जन जन तक जाती होंगी, तो जन जन तक जाती होंगी तो आपको यहाँ की समस्या भी से भी अवगत होती ही होंगी, आप शहर में क्या क्या समस्या है? हाँ समस्या से अवगत होते हैं। तो आपके विधायक कितने घूम रहे हैं, कितनी समस्याओं का समाधान किए हैं, वो आपको लोग जरूर बताते होंगे? वो तो उसका उनका है, लेकिन जब एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते वो लोग हमको बताते हैं, हम लोग जो है जो उनकी कठिनाई होती है, जब प्रदेश में बैठक होती है हमारी पदाधिकारियों की, तो वहाँ पर हम इस बात को अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखते हैं और वो लोग इसको नोट भी करते हैं क्या क्या समस्याएं नहीं है, फिर विधायक दल के अलग विधायक की बैठक होती है, फिर उनके सामने वो बात जाता है। डिजिटल की ओर चुनाव बढ़ रहा है मैडम, सभी लोग डिजिटल के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं,
आप जुड़ रही हैं कि नहीं, पूर्णिया के लोगों से जुड़ रही हैं कि नहीं, कितना काम हो रहा है, क्या तैयार लोग तैयार हैं? हाँ, बहुत हद तक तो तैयार है, क्योंकि अब परिस्थिति वैसा है तो उसी माध्यम से जाना ही होगा। परिस्थिति हमारे सामने डिजिटल के ही आ गया तो जाना ही होगा। आप हम उसे अब जिस तरह से अभी जो कैंपेनिंग का भी माहौल होना चाहिए था, आप एक आप खुद देख रहे हैं वो कार्यक्रम सब रुक गया है। तो डिजिटल तो ये होना ही है, और हमको लगता है विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ जो एनडीए की जो सरकार है, जो लोग हैं, वो सिर्फ चुनाव चाहते हैं, लोगों की जनता की जिंदगी से उनको मोह माया नहीं है, प्यार नहीं है। नहीं नहीं, जबरदस्ती चुनाव में झोंका जा रहा है उनको। नहीं नहीं, विपक्षी तो ऐसे ही बोलते, अगर नहीं है इतना कोरोना को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जो है इतना मास्क पर इतना जोर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर दिए, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं है, उसको लेते हुए हमको यही काम करना। और ये प्रयोग होगा, अगर इस तरह का प्रयोग सफल हो गया तो हमको लगता है जो बेफालतू खर्च चुनाव में होने वाला था वो जो है वो रुक जाएगा, वो पार्टी के। तो लोगों को जिंदगी, लोगों की जिंदगी प्यारी नहीं है? इतनी बड़ी वैश्विक महामारी है, बिहार भी अछूता नहीं है, पूर्णिया भी अछूता नहीं है, लॉकडाउन पूर्णिया में भी चल रहा है, आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह होगी मैडम। इस महामारी को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है, और अभी तो पूरा ये नहीं है कि पूरा डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, हो सकता है बढ़ भी सकता है, टाइम पर भी हो सकता है, अभी तो पूरा फाइनल इसका डिसीजन आया नहीं है, क्योंकि यहाँ की महामारी की स्थिति को देखते हुए वो लोग भी बात कर रहे हैं क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, उसके अनुसार हम लोग डिक्लेयर करेंगे। विपक्ष का तो काम है बोलना तो बोलेंगे ही, अब वो लोग सारे लोग क्या डिसीजन लेते हैं। तो और ये कहना कि जो है ये ध्यान नहीं देना, ये तो बेमानी होगा। मैडम एक सवाल आता है कि जो यही बीजेपी है, जब जेडीयू अलग हुई थी, महागठबंधन के साथ में चुनाव लड़ी थी पिछले विधानसभा में, तो 55 घोटालों की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, आज क्या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं वो घोटाले दब जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ छवि की पार्टी है, और जेडीयू भी स्वच्छ छवि को जो भी एनडीए में आए हैं। तो पिछले चुनाव में तो प्रधानमंत्री जी ने सीधे नीतीश कुमार पे आरोप लगाया था, 55 घोटालों की सरकार कहा था कि लिस्ट जोड़ा गिनाया था 55 घोटालों की। अरे वो लालू जी का जब जमाने की बात थी, सुन लीजिए, लालू जी कितना घोटाला किए हैं, तो आप लोग से छिपा हुआ पूरा बिहार को वो लूट लिए, पूरा परिवार बात की राजनीति वो कर रहे हैं कांग्रेस, और वो समझे ना पूरा परिवार बाकी लोग तो अब ये कह रहे हैं, लोग तो मैडम अब ये कह रहे हैं कि 15 साल बनम 15 साल, अपने 15 साल में क्या दिया, अपराध बढ़ गया, लोगों को क्या कहता, रोजगार छिन गया लोगों के, लोग रोजगार कहाँ से, सबको तो रोजगार मिल ही रहा है, समय को रोजगार मिल रहा है, क्या मिल गया मैडम, क्या रोजगार मिल गया मैडम, रोजगार क्या मिल गया? हमारे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना काम किए हैं, जितना बड़ा बड़ा मुद्दा पर वो काम किए हैं सर, आम मैडम आम लोगों को क्या मिलेगा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किए तो आम लोगों को क्या मिलेगा? नहीं, जो कौशल विकास का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो हुनर का काम कर कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें जो नवयुवक नवयुवती को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सीधा सीधा उसे सब पर रोजगार से ही संबंध है। अब रोजगार का मतलब ये थोड़ी होता है कि सबको हम सरकारी नौकरी दे सकते, उतना वैकेंसी नहीं सरकारी नौकरी, रोजगार का मतलब ये है कि आपको आत्मनिर्भर आपको अपने पैर पर खड़ा कर देना है, ताकि आप जो है अपना परिवार अपना जीवन। इस कोरोना महामारी में जो लोग आए हैं बाहर से, श्रमिक मजदूर आए हैं, उनको रोजगार मुहैया मिल जाएगा, उनको चुनाव तक रोक पाइएगा आप लोग? मैं उसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार हमारी कर रही है, जो बाहरी मजदूर आए हैं वो उसके लिए अभी तो 3 महीने का पूरा राशन उसके कोष में पूरा दिया जा रहा है, राशन पानी उसको दिया जा रहा है पूरा 3 महीने के लिए, उसको एडवांस कर दिया उसके कोष में। क्या उससे क्या ये चुनाव भर के लिए है मैडम, ये ऑफर है कि चुनाव तक रुके रहिए? ये कहीं नहीं लगता कि आप उनके जीवन यापन उतना अनाज से या उतनी राशि से जीवन यापन संभव है? आप जरा सोचिए खुद, आप महिला हैं, आप एक महिला की पीड़ा को समझिए। नहीं मेरी बात सुनिए, ये है कि जब तक ये आपदा चल नहीं जाती है मजदूर को भी रोजगार कहाँ लगाएगा, सभी को तो सुरक्षित रखना है, चाहे मजदूर हो चाहे आम आदमी हो, सभी सुरक्षित रखना है, क्योंकि तो फिर आप कह रहे हैं कि सुरक्षित रखना है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है मैडम, चुनाव पे आप क्यों बोल रही है कि चुनाव स्थिति समान होने पे चुनाव की ओर आप जा रहे हैं सरकार आपकी? क्योंकि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको समय तो लोगों की जान एक संवैधानिक तौर पे नहीं आता लोग, तो उसमें है कि आप 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाएगा फिर वही बात चलेगी, ठीक है जब जब सबका
सबका अगर विधानसभा में सबके अगर मत हो जाती कि नहीं चुनाव को टाल दिया जाएगा तो टाल दिया जाएगा। हाँ एक सवाल आता है कि एक महिला नेत्री है, प्लूरल्स पार्टी करके बिहार में आई है, लोगों के बीच जा रही है, जनता के बीच जा रही है, पुष्पम प्रिया चौधरी नाम है उनका, तो क्या महिला है वो, महिलाओं के बीच जा रही है, महिलाओं को जो जो रोजगार है, जो उद्योग है, जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं उनसे रूबरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उनके साथ आना चाहिए, आप किस नजर से देखती हैं उनको? किसके बारे में बोल रहे बोले आप? पुष्पम प्रिया चौधरी जो पुलर्स पार्टी की संस्थापक हैं, जो पुलर्स पार्टी की सब चीजें वो लोगों के बीच जा रही है, पिछले दिनों पूर्णिया भी आई थी, वो महिला है, लंदन से पढ़ के आई है, पूर्व मंत्री की बेटी है वो, तो अच्छी बात है उनका भी सहयोग हो जाएगा महिलाओं के उत्थान में। लेकिन वो तो नीतीश कुमार के विरोध में जा रही है, किसी को तो किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई किसी के विरोध में जा सकता है, आप अगर वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम उसका विचार अगर नहीं मिला तो उसके विरोध में जा सकते, लेकिन एक बात तो कॉमन है कि महिलाओं को उत्थान की वो बात सोच रही है। आपके विधायक पूर्णिया के जो हैं उनपे इतना गुस्सा क्यों है जनता का? कार्यकर्ता बहुत नाराजगी दिखाते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कार्यकर्ताओं ने एक विरोध का स्वर खोल दिया था, एक खास वर्ग के लिए काम करते हैं वो, इसकी जानकारी हमको नहीं है। आपके विधायक हैं, आप पार्टी की नेत्री हैं, आप बता रही हैं आपको जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी भी नाराजगी है क्या मैडम? नहीं, कार्यकर्ता क्या विरोध करता है, हमको तो नहीं लगता कि मेरे नजर में कोई कार्यकर्ता विरोध करता है। सोशल मीडिया पे आप बनी हुई हैं मैडम, फिर भी आप बोल रही हैं लोगों में काफी जनता की समस्याओं को सही समाधान नहीं कर पाते हैं, लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि एक योजना में सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, वो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं। अरे ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, विपक्ष कहा है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है मेरे पास मैडम, उनपे बार बार ये आरोप लगता है, आपके पार्टी के नेता है, तो क्या आप अपने पार्टी के आलाकमान को इनके इन शिकायतों को करेंगी? विपक्षी लोग कार्यकर्ताओं का नाम लेकर के, कई कार्यकर्ताओं का मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ मैडम, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई कार्यकर्ता ऐसा। तो क्या ये शिकायत आप अपने पार्टी के आलाकमान तक पहुँचाएंगी? क्या पहुँचाना है हमको? ये शिकायत जो हो रही है जनता के बीच से, जो कार्यकर्ता मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, सुनिए ना, जिसको करना होता है शिकायत, हम मेरे नजर में या जानकारी में नहीं है, कहीं आप बच रही हैं, कहीं 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 ना कहीं लग रहा है कि आप इस सवाल से बचने का प्रयास कर रही हैं। और हमारे यहाँ इतना खुला दरबार है पूरा ऊपर पार्टी का, कि कोई भी कार्यकर्ता आसानी से मिल करके अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। तो फिर इतनी नाराजगी क्यों है कार्यकर्ताओं में, लोगों में नाराजगी? मैं वीडियो फुटेज आप बोलिएगा तो मैं इसी कार्यक्रम में दिखाऊंगा कि किस तरह विधायक के प्रति लोगों की नाराजगी है, अगर आप कहेंगी तो मैं जरूर इस कार्यक्रम में ही फुटेज दिखाऊंगा। मेरे जानकारी में नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य तारा शाह जी, जो इस बार विधानसभा में महिलाओं को लेकर, महिलाओं के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है कि हम महिला हैं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। अब देखने की बात यह होगी कि जो पार्टी के आलाकमान है वो कितना भरोसा जताते हैं और साथ ही साथ जनता कितना विश्वास जताती है। कई सवालों का जवाब उन्होंने प्रखर रूप से दिया, लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है, आखिर पूर्णिया विधानसभा की समस्या का समाधान कौन करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। और जनता इस विधानसभा चुनाव में किसको अपना जनप्रतिनिधि मानती है और किसे जिता के विधानसभा भेजती है अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।